दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक 30 सितंबर तक हर हाल में होगी फाइनल ईयर की एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी भाइयों के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला, यहाँ पर होगा संपूर्ण लॉकडाउन, इन गतिविधियों को बंद करने का आदेश जारी। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर लॉकडाउन कहाँ लगाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ट्रैफिक से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश जारी, इन 7 नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों धार्मिक भाईचारे का अनोखा नजारा, एक ही पंडाल में साथ साथ मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी और मोहर्रम। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर ये नजारा कहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों भाईचारे की इस तस्वीर पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार, शिक्षा मंत्री ने कहा परीक्षा टली तो छात्रों का एक साल होगा खराब। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख क्या है। साथ ही दोस्तों 1 सितंबर से बदलने वाली है ये 4 चीजें, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर और कितना पड़ेगा आपके जीवन पर असर, इन खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरू के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 30 सितंबर तक हर हाल में होगी फाइनल ईयर के एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। जब दोस्तों कोरोना महामारी के बीच देश भर में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक हर हाल में कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है तो वे UGC के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यहाँ पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, बंद रहेगा ये सब। जैन दोस्तों भारत में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि केंद्र सरकार ने अनलॉक के चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच राज्यों का यह अधिकार भी मिला है कि संक्रमण की स्थिति में प्रदेश की सरकारें अपने मुताबिक छूट और पाबंदियां तय करेगी। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है, इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दरअसल राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। फिलहाल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 20 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं दफ्तर बाजार नहीं खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्यता के नियम का पालन किया जाएगा। वे बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था इन तीनों दिनों बाधित रहेगी। वहीं हॉस्पिटल या जरूरी काम के लिए बाहर जाया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, ट्रैफिक से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश, इन 7 नियमों का करे पालन। जन दोस्तों देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस कर्मी और ट्रैफिक पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लगातार सभी चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और लॉकडाउन का पालन कराने से लेकर कोरोना जांच के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी और ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया फाइट्स कोरोना के ट्विटर हैंडल पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंडिया फाइट्स कोरोना ने अपने ट्विटर हैंडल पर 7 गाइडलाइन दी है। बता दें कि कोरोना से बचने के लिए इन 7 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें नंबर 1 है, अन्य व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। वहीं नंबर 2 की बात करें तो हाथों की स्वच्छता का पालन करना होगा और चेहरे को बार बार छूने से बचना होगा। नंबर 3, आपके द्वारा जांचे जा रहे दस्तावेज को ना छुए। वहीं नंबर 4, लोगों को स्वयं से अधिक निश्चित दूरी पर रोके। नंबर 5, हमेशा फेस मास्क रखें और सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करें। वहीं हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। नंबर 6, अस्पतालों के क्वारंटीन सुविधाओं के पास तैनात होने पर सुरक्षात्मक गियर पहने। वहीं नंबर 7, ड्यूटी के बाद घर जाने पर इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का अच्छी तरह से धोए। तो दोस्तों ये तो थी 7 वो गाइडलाइंस जिसे
हर ट्रैफिक पुलिस वाले और हमें भी ध्यान रखना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 4 नियम, आम आदमी की जेब एवं जीवन पर डालेगी सीधा असर। जी दोस्तों, 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीजें बदल जाएगी। जिन चीजों में बदलाव होने वाला है उनमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइन समेत कई और चीजें शामिल है। इनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी। LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव। जी दोस्तों, देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही जल्द रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG के दामों में बदलाव हो सकता है। दरअसल 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। महंगा होगा फ्लाइट टिकट। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से 150 के बजाय 160 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। दिल्ली में मेट्रो हो सकती है शुरू। वहीं दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। स्कूल खुल सकते हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी की है। योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। धार्मिक भाईचारे का अनोखा नजारा। एक ही पंडाल में साथ साथ मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी और मुहर्रम। जैन दोस्तों तैयारों का मौसम शुरू हो चुका है। देश में इन दिनों गणेश चतुर्थी और मुहर्रम मनाया जा रहा है। विभिन्न धर्मों के लोग इन त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन हुबली कर्नाटक में एक ऐसी तस्वीर जारी है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। ये तस्वीर हर किसी के लिए मिसाल है। हुबली के बलिदान क्षेत्र की एक ऐसा पंडाल लगाया गया है जहाँ गणेश चतुर्थी और मुहर्रम साथ मनाए जा रहे हैं। तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है। हर साल इसी तरह का पंडाल लगाया जाता है और दोनों धर्मों के लोग मिलकर पर्व मनाते हैं। बता दें कि 12 अगस्त से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। मुहर्रम का पर्व 29 अगस्त शनिवार को है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार ताजे निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। JEE नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार। शिक्षा मंत्री बोले, परीक्षाएं टली तो छात्रों का भविष्य होगा खराब। जैन दोस्तों, JEE मेंस और नीट की परीक्षाओं को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे लेकर अब सख्त हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कह रहे हैं, वे शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है, परीक्षाएं समय पर होगी। इस बीच परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्रालय और NTA ने अलग अलग स्तर पर समीक्षा भी की है। शिक्षा सचिव ने इसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें परीक्षाओं को लेकर अतिरिक्त सहयोग मुहैया कराने को कहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 महीने के अंदर नई वायु रक्षा कमान को आकार देने के लिए काम कर रही है सरकार। जी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य के व्यापक सिद्धांत के तहत नई वायु रक्षा कमान की स्थापना के संदर्भ में अक्टूबर में घोषणा कर सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नई वायु रक्षा कमान भारतीय सेना की मिसाइल जैसी कुछ परिसंपत्तियों को संभालेगी। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई वायु रक्षा कमान की रूपरेखा तैयार करने के लिए साल एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। WHO ने कहा, चीन में कोरोना के स्रोत की जांच में कई देशों की रुचि, हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार खतरनाक। जनदोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि प्राकृतिक रूप से हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। इससे कई लोगों की जान जा सकती है।
WHO ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर आधारित कोरोना की जांच हमेशा लाभदायक नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि कोरोना के स्रोत को जानने के लिए चीन में भेजे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन में कई देशों ने रुचि जताई है। WHO की COVID-19 टेक्निकल लीड मारिया वान करखो ने गुरुवार को कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि एक सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन बनाई जाए जिसे बड़ी आबादी को सुरक्षित रखते हुए संक्रमण बढ़ने से रोका जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन से परेशान इस देश को भारत देगा अपने सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे एडवांस्ड मिसाइल ब्रह्मोस जिसे रूस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित किया गया है अब वियतनाम को निर्यात की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से फैसला किया गया है कि इस मिसाइल को वियतनाम समेत उन तमाम देशों को निर्यात किया जाएगा जो चीन की आक्रामकता से त्रस्त है। रूस की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक रूस की सरकार ने भारत को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रख निर्यात की मंजूरी दी थी। वियतनाम के अलावा ब्राजील, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत 70 देशों ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब एक दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वे उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे दे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।